सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी घर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। प्रतिष्ठित बहुभाषाविद और हिंदी साहित्यकार राहुल संकृत्यायन की ये शब्द बताते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया दुख में हो या सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। दोस्तों, इस समय एडाल्सन एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए हम महापंडित राहुल संकीर्तन के घर पर उनके निवास स्थान पैतृक भूमि कैनाला पर पहुँचे हैं, जहाँ इस प्रोग्राम के जरिए महापंडित राहुल संकीर्तन के पौत्र श्री विनोद कुमार पांडे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हम इस समय महापंडित राहुल संकीर्तन के निवास पे हैं, ग्राम सभा कनेला पर। और इस समय जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा, एडाल्सन एजुकेशन प्रोग्राम। एडाल्सन एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? किशोरा अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। इस पे हम बातचीत करेंगे महापंडित राहुल संकीर्तन के आप पौत्र हैं श्री विनोद पांडे, और इनसे हम बात करेंगे कि इनको ये प्रोग्राम किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम कैसा लगा, क्योंकि इनके यहाँ भी लाइब्रेरी पे एक प्रोग्राम रखा गया था अभी पिछले महीने में। तो इससे इन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस इलाके पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये कार्यक्रम कितना उपयोगी होगा उन माताओं पिताओं के लिए, उन गरीब परिवारों के लिए, उन पिछड़े परिवारों के लिए और उन बच्चों पर। जी भैया, ये किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसमें श्री राकेश कुमार पांडे जी, एडवोकेट डीपी पांडे जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक इसके महत्ता की बात अगर करें, तो ये बेसिकली यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है, और यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। जी उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाला जो जनमानस है, वह उसको दूर दूर तक पता नहीं है कि दुनिया कहाँ चली गई और दुनिया में क्या हो रहा है। जो नगरी निवासी हैं, जो शहर के निवासी हैं, उनका अपना शैक्षिक स्तर भी है और वो देख भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं, उनकी गति जो है अभी वो लगभग 50 साल पीछे चल रहे हैं। और यह जो आप लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें उनको एक नई ऊर्जा और का भी संचार होगा और उनको ज्ञान भी मिलेगा। और इसका जो है, इस तारतम्य में यह बहुत तेज़ी से, और ये हम कहें कि इसको एक युद्ध स्तर पे चलाया जाए, ताकि इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। और ये जगह जगह छोटे छोटे, हम ये न देखें कि हम कहाँ हैं, किस विद्यालय पे हैं, यहाँ इतने बच्चे हैं या ये बहुत पिछड़ा है। ये जितना ही पिछड़ा इलाका होगा, इसकी उपयोगिता और महत्ता उतनी ही बढ़ेगी, और आगे भी लोग जुड़ेंगे भी इससे। जुड़ने से एक जागरूकता आएगी लोगों में, तो ये बहुत है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से श्री राकेश कुमार पांडे जी को और श्री डीपी पांडे जी को, बहुत ही, ये लोग तो बहुत परिश्रम कर रहे हैं और अब तो काफ़ी ये क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी मैं धन्यवाद। अच्छा, उन अभिभावकों के लिए और उन स्कूल प्रबंधकों के लिए जो स्कूल चला रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे प्रोग्राम में उनको किस तरह से भागीदारी लेनी चाहिए और उसका हिस्सा उन बच्चों को बनाना चाहिए, उन बच्चे उसमें भाग लें, उनको क्या मैसेज देंगे? अब देखिए, इसमें जो विद्यालय के प्रबंधक हैं और जी जो विद्यालय के अध्यापक हैं, जी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल
क्योंकि जो यहाँ का ग्रामीण अभिभावक है वह एक तरह से द्वंद्व में जी रहा है और किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है, और उसको अगर आप कहें कि उसका शैक्षिक स्तर भी वो नहीं है कि वह उसका आकलन करे, तो प्रेरणा स्रोत जो हमारे बनेंगे वो प्रबंधक और विद्यालय के अध्यापक ही बनेंगे, तभी वो अभिभावक भी जुड़ेगा, और जब अभिभावक जुड़ेगा तो बच्चे स्वतः जुड़ जाएंगे, बच्चों में भी एक प्रेरणा होगी, और तब ये जो है कार्यक्रम हमारा एक गति पकड़ेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम राहुल संकीर्तन का जीवन जान लेते हैं संक्षेप में, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। राहुल जी आधुनिक हिंदी साहित्य के, राहुल संकीर्तन जी का जन्म 9 अप्रैल 1993 को आजमगढ़ जनपद में हुआ था। इनके ननिहाल में इनका जन्म हुआ था, पंधा गांव में। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल संकीर्तन के पिता का नाम गोवर्धन पांडे और माता का नाम कुलवंती था। भाइयों में ज्येष्ठ राहुल जी थे। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके नाना श्री रामचरण पाठक और नानी ने किया था। राहुल संकीर्तन की प्राथमिक शिक्षा के लिए गांव के ही मदरसे में भेजा गया। राहुल जी का विवाह बचपन में कर दिया गया। यह विवाह राहुल जी के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी, जिनकी वजह से राहुल जी ने किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया। घर से भागकर ये मठ पर साधु हो गए, लेकिन अपनी यायावरी स्वभाव के कारण ये वहाँ भी टिक नहीं सके। 14 की अवस्था में ये कलकत्ता भाग गए। इनके मन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहरा असंतोष था, इसलिए वह भारत में कहीं एक जगह नहीं टिकते थे। राहुल जी का समग्र जीवन ही रचना धार्मिकता की यात्रा थी। जहाँ भी वे गए वहाँ की भाषा व बोलियों को सीखा। वह लोगों में इस तरह से घुल मिल गए कि वहाँ के संस्कृति, समाज व साहित्य अपने दिलों के अंदर बसा लिया। राहुल संकीर्तन उस दौर की उपज थे जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति सभी संक्रमणकालीन के दौर से गुजर रहे थे। राहुल संकीर्तन का विश्व भ्रमण राहुल जी ने अपनी जिज्ञासु व घुमक्कड़ प्रवृत्ति के चलते घर बार त्याग कर साधु वेशधारी सन्यासी से लेकर वेदांती आर्य समाजी व किसान नेता एवं बौद्ध भिक्षु से लेकर साम्यवादी चिंतक तक का लंबा सफर तय किया। सन 1930 में श्रीलंका जाकर वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए एवं तभी से वे रामदोल साधु से राहुल हो गए और संकीर्त गोत्र के कारण राहुल संकीर्तन कहलाए। राहुल संकीर्तन ने लंका में 19 मास प्रवास किया। श्रीलंका के अलावा राहुल संकीर्तन ने इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा की। 2 लद्दाख यात्रा, 2 तिब्बत यात्रा, जापान, कोरिया, मंचूरिया, सोवियत भूमि, ईरान में पहली बार, तिब्बत में तीसरी बार, 1936 ईस्वी में सोवियत भूमि में दूसरी बार, 1937 ईस्वी में तिब्बत में चौथी बार, 1938 में यात्रा की। उनकी अद्भुत तर्क शक्ति और अनुपम ज्ञान भंडार को देखकर काशी के पंडितों ने उन्हें महापंडित की उपाधि दी। इस प्रकार वे केदारनाथ पांडे से महापंडित राहुल संकीर्तन हो गए। 36 भाषाओं के ज्ञाता राहुल ने उपन्यास, निबंध, कहानियां, आत्मकथा, संस्मरण, जीवन आदि विधाओं में साहित्य सृजन किया, परंतु अधिकांश साहित्य हिंदी में ही रचा। राहुल तथावंशी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, सो उन्होंने हर धर्म के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अपनी दक्षिण भारत यात्रा के दौरान संस्कृति ग्रंथों, तिब्बत प्रवास के दौरान पाली ग्रंथों, तो लाहौर यात्रा के दौरान अरबी भाषा सीखकर इस्लामी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इस तरह से
प्रतिष्ठित बहुभाषाविद होने के नाते विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिया। राहुल संकीर्तन बचपन से ही घुमक्कड़ स्वभाव के रहे। सन 1923 में उनकी विदेश यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उनका अंत उनके जीवन के साथ ही हुआ। ज्ञानार्जन के उद्देश्य से प्रेरित राहुल जी ने अपनी यात्रा के अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र भी रचा। युवाओं में घुमक्कड़ की जिज्ञासाओं को जगाने के लिए वह कुछ इस तरह से कहते थे कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। उनके शब्दों में समदर्शिता घुमक्कड़ का एकमात्र दृष्टिकोण है और आत्मीयता उनके हरेक बर्ताव का सार। राहुल जी की जो प्रकाशित रचनाएं हैं सैकड़ों हैं, जिसमें कहानी संग्रह सप्तमी के बच्चे हैं, बोलगा से गंगा है, बहुरंगी मधुपुरी है और सारी कहानियां हैं। उपन्यासों में उनके सिंह सेनापति हैं जो 1944 ईस्वी में लिखे गए, जीने के लिए 1940 में लिखा उन्होंने, मधुर स्वप्न लिखा, जय योधेय लिखा, बहुत सारी उपन्यास भी लिखे, कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी, कार्ल मार्क्स की 1954 में, स्टालिन लिखा 1954 में, माओ से तुंग लिखा, इस तरह से कनेला की कथा, दर्शन दिग्दर्शन, भागो नहीं बदलो, दूसरे 22वीं सदी तुम्हारी छह, इस तरह की तमाम पुस्तकों को उन्होंने लिखा जो इनकी रचनाएं हैं और जिनके विचार आज भी प्रासंगिक। महापंडित राहुल संकीर्तन जन पुस्तकालय के प्रबंधक हैं और आपके यहाँ से एक कार्यक्रम चल रहा है निःशुल्क विधिक सलाह सहायता केंद्र, जिसमें घरेलू हिंसा या और भी तरह से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको आप काफ़ी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उन बच्चों को जो बच्चे छोटे हैं परेशान हैं तो उनकी भी मदद कर रहे हैं। तो अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आपको और आपके संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पिछड़े इलाके में आप ऐसा अच्छे नेक काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इससे लोग जुड़ रहे हैं, इसका कुछ लाभ ले पा रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं, इसमें कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह से कर पा रहे हैं? अब देखिए इसमें ऐसा है कि मुख्य रूप से जो हमारा पुस्तकालय है जी, वो एक्टिविटी सेंटर है, तो हमारे मन में आया कि किस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कानून की भी जानकारी हो। तो उसमें हमारे संस्था के सचिव हैं एडवोकेट DP पांडे जी, तो मैंने रखा, उनके भी दिमाग में आया, तो ये हुआ कि यहाँ एक निःशुल्क इस तरह का कानून की जानकारी देने के लिए, जैसे बच्चों के साथ है जौन हिंसा है, हाँ, मदद उनकी हो जाए, घरेलू हिंसा है जी, तो निःशुल्क, तो एक तो लोगों का उस पुस्तकालय से जुड़ाव भी होगा और लोगों को जानकारी भी होगी, चाहे कोई प्रभावित हो अथवा न प्रभावित हो, जागरूकता के दृष्टि से भी लोग आते हैं, समझते हैं, जुड़ते हैं उससे, तो यह एक एक्टिविटी के रूप में कुछ न कुछ चलना चाहिए जिससे लोगों को एक अच्छा होगा, फिर भविष्य में उनकी जिसकी जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेगा, सुलभ होगा जी। और एक कानून के प्रति लोगों को जानकारी होगी तो जो थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनके भी मन में जब कानून की जानकारी होगी तो भय होगा, तो एक समाज में इस तरह का लोगों को कानून की जानकारी। तो ऐसा नहीं लगता कि क्या उस पुस्तकालय पे लोग जुड़ना चाहते हैं उन वो महिलाएं जो उनके साथ जो जास्तियां होती हैं तो उनको वो दबा के रखती हैं और वो उसको बाहर नहीं निकालना चाहती या कहने में शर्माती हैं, जब कुछ अति हो जाती है तो आती हैं, तो उन पुरुषों के लिए क्या कहेंगे जो ये इतनी जास्तियाँ करते हैं, और उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो महिलाएँ अनावश्यक इतने जुल्म सहती हैं उसके बाद कुछ अति हो जाती है तो बाहर निकल के आती हैं और आप जैसे लोगों से मदद चाहती हैं या आप लोग जैसे मदद की गुहार लगाते हैं कि आप उनकी मदद के लिए तैयार हैं, उन पुरुषों के लिए और उन महिलाओं दोनों के लिए क्या कहेंगे?
देखिए, जो हमारा ये भारतीय कल्चर है, जी जो ऐतिहासिक दृष्टि से काल के क्रम में बदलाव होता गया, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में गुलामी के दौर में महिलाओं के साथ हुआ ऐसा, तो आज भी महिलाएं जो है बहुत कुछ बर्दाश्त करके ही अपने घर में रहना चाहती हैं। पुरुष जो है वह सख्त शारीरिक तौर पे मजबूत है, इसलिए वह उनके साथ जाति करता है, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, महिलाओं में भी जागरूकता है, वो समझ रही हैं, तो अब दोनों का, लेकिन ये इस तरह के क्रियाकलाप एक स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं। लोग आ रहे हैं आगे, महिलाएं भी अपना जो है विरोध दर्ज कर रही हैं, पुरुष भी इसको समझ रहा है कि नहीं ये गलत है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये सर्वथा किसी भी दशा में, हिंसा किसी भी दशा में गलत है। तो ये पति पत्नी के जो मामले होते हैं उसमें आपकी क्या कोशिश रहती है? अब उसमें तो ये है ना कि ज़्यादातर समझौता हो जाए, दोनों के जो है बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों के मलाल को निकाला जाए, किसका क्या, किसकी क्या गलती है, कैसे है, उसके हिसाब से। थैंक यू सर। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़े और चक्रपानपुर मार्केट से करीब 6 किलोमीटर की दूरी को हमने तय किया और 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद सिंहपुर मार्केट से हम मनिहा की तरफ मुड़ते हैं और मनिहा की तरफ जब हम जाते हैं तो मनिहा गांव में नदी के किनारे, बिल्कुल नदी के किनारे, और जहां न कोई गांव है आसपास, न कोई मकान है, हाँ शमशान ज़रूर है और नदी का किनारा है। इस सन्नाटे की जगह पे एक स्कूल चलता है, श्री बनारसी यादव इंटर कॉलेज मनिया। धन्य है वो प्रिंसिपल और धन्य है वो प्रबंधक जिन्होंने ऐसा काम किया जिससे आज यहाँ इस वीरान में बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, और इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे रास्ते हैं, क्या क्या स्थितियां हैं, कैसा ये विद्यालय है और विद्यालय के आसपास की माहौल क्या है। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं बहुत दूरी पे एक सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिख रही है, एक स्कूल है। इस स्कूल का नाम है श्री बनारसी यादव इंटर कॉलेज मनिया। ये एक नदी के किनारे पर स्थित है और नदी है मंगई नदी, एक छोटी सी नदी है जो जौनपुर के शाहगंज या जौनपुर से इस ज़िले में प्रवेश करती है और इस नदी को जाके गाजीपुर में मिली हुई है, गंगा नदी में। और ये जो स्कूल हमने दिखाया है आपको अभी इस वीडियो में, ये इसके इर्द गिर्द कोई गांव नहीं है, कोई बाज़ार नहीं है, और एकदम सन्नाटे में, खुले मैदान में, पूरी तरह से खाली जगह पर एक स्कूल है। तो सोचिए, यहाँ इस स्कूल पे जो रास्ता है, रास्ता भी आपको देख ही रहे होंगे कि ये रास्ता कैसा है। और हम इस वक्त खड़े हैं एक शमशान में, और ये शमशान है जो अभी बन रहा है, मुझे ख्याल से स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ, इसका उद्घाटन होने वाला है। तो इस तरह से ये शमशान और इस नदी के पास स्कूल चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत चैलेंजेज है इन बच्चों के लिए जो इतनी मेहनत से आके यहाँ पढ़ते हैं, और उस प्रबंधक के लिए भी जो इस जैसे इलाके में जहाँ इतना सन्नाटा है और यहाँ स्कूल खोल के चला रहे हैं। स्कूल का नाम है? मैं राकेश कुमार, इस समय श्री बनारसी यादव इंटर कॉलेज मनिया आजमगढ़ का प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद पे कार्यरत हूँ, और जो भी कार्यक्रम आप लोग किशोरावस्था के बारे में बताए हैं, हमारे बच्चों ने सीखा है, बहुत ही अच्छा रहा आप लोगों का कार्यक्रम, मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर।